हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड नंबर सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या फिर अगर आपको किसी भी नेक्स्ट वीडियो में अगर डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको बस जाकर के क्लिक करना है ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 1 में, उसके बाद आपको सारे वीडियोज इस चैप्टर के एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले तो उसे रीड कर लेते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर में बार है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि ऊपर में अगर बार है तो समझ जाओ कि ये जो नंबर है ना वो दोबारा रिपीट होंगे, यानी कि अगर इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये हमारा कंप्लीट कहीं पर नहीं होगा, बस कि आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर से 142857 इस तरीके से आते जाएगा। तो इसमें आगे हमसे पूछा जा रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। जैसे हमको 1/7 का दिया हुआ है तो क्या आप 2/7, 3/7 का अपने आप से यानी प्रेडिक्ट करना है? यहाँ पर आपको विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको डिवीजन वगैरह करके नहीं देखना, ये तो हमारा डिवीजन करके निकाला गया था, अब आपको यहाँ पर डिवीजन नहीं देना है, सिंपली आपको केवल प्रेडिक्ट करना है कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है? और इफ़ सो हाउ, अगर आप कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो ये भी बताना है। अब यहाँ पर हमको कुछ हिंट दिया हुआ है कि स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो एक तो ये तरीका हमको दिया गया है कि आप रिमाइंडर का स्टडी कर सकते हो और वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको फाइंड करना है। दूसरा तरीका उससे भी सिंपल है, आई मैं आपको वो समझा देता हूँ कि उस मेथड से आप इसे कैसे पता लगा सकते हैं कि 2/7 और 3/7 का आंसर कितना है। तो देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से आप लिख लेना कि 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये हमारे पास है। हमको निकालना क्या है, 2/7 का वैल्यू पता करना है, ठीक है? तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 1/7 को ही इस तरीके से लिखूं मैं 2 × 1/7, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 × 1 = 2 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, यानी कि 1/7 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा 2/7 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इसको फाइंड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है 2/7 की, तो मैं सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे और मेरे को इसका आंसर पता चल जाएगा। इस तरीके से देखो, 2 × अगर आप करोगे 0.142857, ठीक है, 142857 यही इसकी वैल्यू है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देखो 1/7 की वैल्यू इतनी थी, तो मैंने क्या किया, 2/7 फाइंड करना है तो मैंने 2 × 1/7 कर दिया, इसका वैल्यू कितना होगा, 2/7 ही हो जाएगा। तो बस अब ये जो 1/7 है ना, उसके जगह में आप इतना उसका वैल्यू को लिख दो और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 2/7 का वैल्यू पता चल जाएगा। उसी तरीके से 3 से कर दो मल्टीप्लाई, चलो मैं कुछ तक मैं कर देता हूँ, उसके आगे आप फिर आप कर लेना। तो देखो, 2/7 जो हमारा 14 होता है, तो 14 का 4 कैरी हो गया 1, इधर से ही करना है ना 1 से, यानी कि इधर से आप चलते गए मल्टीप्लाई करके, जैसे नॉर्मल हमारे तरीके मल्टीप्लाई करने का वही करना है, ठीक है? तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और जो कैरी 1 हुआ है वो हो जाएगा 11, तो 11 का 1 यहाँ पर कैरी हो गया 1, तो 2 × 8 = 16 और 1 हो जाएगा हमारा 17, तो 17 का 7 कैरी हो गया 1, तो 2 × 2 = 4 हो गया और 1 आ गया हमारा 5, फिर ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2 और ये जो डेसिमल है तो डेसिमल लगाओ और ये 0 को 0 लगा दो। और बस हम जानते हैं ये जिस तरीके से हमारा बार कॉलम में आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा बार में आ जाएगा, इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, यानी कि हम बिना यहाँ पर 2/7 को डिवाइड किए ही, यहाँ पर अगर हमारे पास 1/7 का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम 2/7, 3/7 से 6/7 तक क्या आगे भी कितना हूँ अगर हमसे लंबा पूछा रहता ना तो हम आसानी से निकाल सकते थे। एक आगे एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि हमारा हमको आगे 3/7 का भी पूछा है, तो 3/7 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1/7 से करेंगे तो भी हमारा 3/7 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप सिंपल यही करो कि 3 का मल्टीप्लाई 1/7 के वैल्यू से कर दो, यानी कि 0.142857 से कर दो, बस इसका 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3/7 जो होता है 21 का 1 कैरी हो गया 2, 3/5 जो हो जाएगा हमारा 15 और 2 हो जाएगा 17 का 7 कैरी हो गया 1, 3/8 जो होगा 24 और 1 25 का 5 कैरी हो गया फिर से 2, 3/2 जो हो जाएगा हमारा 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8, फिर 3/4 जो 12, तो 12 का कुछ कैरी तो नहीं हुआ था ना, 3 × 2 = 6 हाँ नहीं होता कैरी, तो 3/4 = 12 और 12 का 2 लिख लेते हैं, कैरी हो जाएगा हमारा 1, तो 3 × 1 हो जाएगा हमारा 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये बन गया हमारा 0.428571। हो सकता है मेरा दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर बीच में कहीं और चल गया था ध्यान, तो इसका थोड़ा सा आंसर मुझे लग रहा है कहीं पर कुछ गलती हुआ, अगर हुआ होगा तो आप चेक कर लेना, ठीक है? तो बस आपको बस इसी तरीके से करना है, यहाँ पर और दूसरा कोई मेथड नहीं लगाना है, सिंपल आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 3 से किया मैंने तो 3/7 का वैल्यू पता चल गया, 4 से करना तो 4/7 का पता चल जाएगा, 5 से करना 5/7 का पता चल जाएगा और 6 से करना तो 6/7 का पता चल जाएगा। तो मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको आना ही चाहिए, आप क्लास 9 में पहुँच गए हो, उसकी तो जरूरत है नहीं तो फालतू में हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा कि क्वेश्चन में जो 3 हमें दिया हुआ है ना उसको हमको कैसे शो करना है P/Q के टर्म पे, बहुत ईजी मेथड में आपको समझा दूंगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।